और अब देख लेते हैं राजधानी दिल्ली के राजनीति और आसपास की बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। दिल्ली सीएम आवास और रेनोवेशन के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने केजरीवाल पर बोला हमला, कहा हमें केजरीवाल के शीश महल का हिसाब किताब चाहिए, नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया। सीएम आवास रेनोवेशन मामले में बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का केजरीवाल पर तंज, कहा देखिए खुद को आम आदमी कहने वाले केजरीवाल का 45 करोड़ वाला घर। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर लगाया जासूसी का आरोप, कहा दिल्ली के सीएम आवास के आसपास कुछ अधिकारी घूम रहे हैं, केजरीवाल से मिलने वालों पर नजर रखी जा रही है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी ने दाखिल की चार्जशीट, आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज अवेनी कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट, कल होगी सुनवाई। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका पर 9 जून को होगी सुनवाई, सत्येंद्र जैन ने ईडी सीबीआई मामले में बेंच ट्रांसफर करने की मांग की है। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने 3 साल बाद किया हत्या का खुलासा, 2 मजदूरों ने बिल्डर से मुआवजा वसूलने के चलते साथी मजदूर की रॉड से पीट पीट कर हत्या कर दी। 9 सेकंड न्यूज में आप देख लीजिए राजनीति से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को मिलेगा उद्धव ठाकरे और शरद पवार का साथ, विपक्षी एकता को मजबूती देने के लिए पटना में एक मंच पर होंगे साथ, सूत्रों के मुताबिक उद्धव ने नीतीश का न्योता स्वीकार कर लिया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर बंगाल सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर वार, कहा मुझे खुशी होगी अगर बीजेपी की हार की शुरुआत कर्नाटक से हो, बीजेपी सत्ता से बाहर होगी तो देश का भला होगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मणिपुर हिंसा की तस्वीर ट्वीट करते हुए बीजेपी पर साधा निशाना, कहा यह है डबल इंजन सरकार की हकीकत, मणिपुर जल रहा है लेकिन मोदी और शाह चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। यूपी बिहार के लोगों पर गोवा के सीएम की टिप्पणी पर नीतीश कुमार ने जताया एतराज, कहा सीएम प्रमोद सावंत को सोच समझकर बोलना चाहिए, पहले भी उनकी पार्टी के लोग ऐसा बयान दे चुके हैं। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा था गोवा में 90% अपराध की यूपी बिहार के मजदूर जिम्मेदार है, विवाद बढ़ने पर सीएम ने सफाई देते हुए कहा मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा पीएम ने भगवान नीलकंठ की तरह एक एक गाली पीकर देश का विकास किया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।